अपनी चालबाजी से ग्लोबल विलेन बन चुका है चीन। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका ड्रैगन अब सीक्रेट साजिशें रच रहा है। चीन लगातार भारत से लगे बॉर्डर पर हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। पिछले साल भारत के साथ लद्दाख में हुए टकराव के बाद चीनी सेना भले ही टकराव वाली जगहों से कुछ पीछे हटी हो, लेकिन चीन के इरादे अभी भी नेक नहीं हुए। चीन अभी भी भारत पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में चीनी सेना लद्दाख से लगे वेस्टर्न तिब्बत के रूतोंग में जंग का अभ्यास कर रही है। ये युद्धाभ्यास में चीन के कई हजार सैनिक शामिल हो रहे हैं, जो भारी हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लद्दाख के बॉर्डर के उस पार चीन का ये जमावड़ा मई के दूसरे हफ्ते से ही नजर आ रहा है। चीन तिब्बत के इस इलाके में ट्रकों के जरिए भारी मशीनरी के साथ आया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर निगरानी रखने वाले उपकरण तक शामिल है। वहीं चीन का कहना है कि यह अभ्यास सैनिकों को नए हथियारों से परिचय कराने के मकसद से किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो चीन अपनी सेना पीएलए की क्षमता को तेज करने के लिए अभ्यास कर रहा है। चीनी सेना के एक कंपनी कमांडर यांग यांग ने कहा है कि हमने अपने शेड्यूल को बदला है और सैनिकों से मांग की है कि वो ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में प्रशिक्षण के लिए उच्च क्षमता का प्रदर्शन करें। हमें एक ज्यादा कठिन युद्ध के मैदान के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सीमाई इलाकों में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि चीन ने इसी इलाके में इससे पहले मई से लेकर जुलाई अगस्त तक सैन्य अभ्यास किया था। चीन अब सितंबर में फिर से युद्ध अभ्यास कर रहा है। चीन इसके अलावा पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे की तरफ भी युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में गाड़ियां शामिल हुई हैं। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।